दस प्यार देते रहना, बेल आइकन क्लिक करना, सब्सक्राइब शेयर और कमेंट ये भी करते रहना, तुझी से है ये सृष्टि, तू मान मेरा कहना। मॉर्निंग गाइस, सो आई जस्ट वोक अप एंड बाहर इतनी अच्छी वेव्स की आवाज़ आ रही है, सो अब मैं उठ के फ्रेश होती हूँ। सो गाइस, आई एम ऑल रेडी, दिस इज व्हाट आई एम वेयरिंग, इज लाइक एन ऑफ शोल्डर थिंग, आई एम वेयरिंग दिस, दिस लुक एट द कॉटेज। So me and my mom, we got this I don't know what it is called, shayad beach chair ya fir resting chair, small beach hai yahan pe, jaise monkey island hai। ओ, ये मंकी आइलैंड है, है। ओ, नाइस। और इसके आगे जो है वो बटरफ्लाई बीच है। आहा। और उसके बाद हनीमून बीच है यहाँ पे। ओ, ओके। सो यू हैव टू टेक द बोट 1.5 hours। और डॉल्फिन। यू कैन स्टे हियर आल्सो लाइक 30 minutes। टेक द ड्रिंक इफ यू वांट। ओके। देन यू कम बैक। यू सी द डॉल्फिन आल्सो मॉर्निंग टाइम। इन द मॉर्निंग। सनसेट के टाइम पे भी दिखता है ना शायद? सनसेट के टाइम में भी दिख जाता है, लेकिन बहुत कम दिखता है उस टाइम। तो अभी बीच पे घूमते घूमते आई मेट हिम, ही इज अ लाइफ गार्ड, तो उनसे हम पूछते हैं कि एग्जैक्टली हाउ लाइक ही वर्क्स एंड क्या शेड्यूल रहता है एंड एवरीथिंग। अभी तक ऐसा कभी कुछ हुआ है कि यू नो ही हैड टू एक्चुअली गो इन एंड सेव समवन? रोहन, अच्छा, ओके। और एज अ लाइफ गार्ड, लाइक आप कितने साल से काम कर रहे हैं? 3 साल। 3 साल से? और मतलब ऐसा कभी कोई इंसिडेंट हुआ है जब आपको एक्चुअली जाना पड़ा है पानी में? हाँ। क्या हुआ था? लाइक तो उसको पैर को कैच आया था, तो जाके उसको निकल दिया। अच्छा, और आपने अब तक ऐसे कितने लाइफ सेव किए हैं? मैंने अब तक सिर्फ 2 ही की। तो आपने मतलब कैसे सोचा कि आपको लाइफ गार्ड बनना है? लाइक क्योंकि मैं पहले से, मेरा बाप फिशरमैन था, तो मेरे पहले से ही। तो आप गोवा से ही है मतलब? नहीं, मैं कारवार से। ओह, नाइस नाइस। चलो, थैंक यू। आप ऐसे अच्छे अच्छे काम करते रहिए। आई ऑल्सो केम अक्रॉस दिस गाड़ी, दिस जीप, विच अपेरेंटली इज ऑल्सो लाइक अ लाइफ सेविंग जीप काइंड ऑफ थिंग। मतलब ये जो है इसकी, इसको जो ड्राइव करते हैं, ही इज लाइक द मेन सुपरवाइजर हु कीप्स एन आई ऑन ऑल द लाइफ गार्ड्स। परशुराम पागी। आहा। आई एम फ्रॉम गोवा। ओके। हम लोग फ्रॉम हियर लोकल। ओ, आप लोकल हैं? ओके। मैंने एक और लाइफ गार्ड है, उनसे बात की, तो उन्होंने बताया उन्होंने अब तक सिर्फ मतलब 2 लाइफ सेव किए, विच इज एक्चुअली गुड, कि मतलब यहाँ पे बहुत प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जाते हैं, इसकी वजह से सिर्फ 2 ही ऐसे प्रॉब्लम्स अब तक हुई हैं। सो आप इधर बहुत प्रॉब्लम है, बहुत हुए हैं, 2 ही स्टेज के। ओके, तो आप मुझे बताएंगे? और लाइफ गार्ड ने ज्यादा किया है, और मैंने इधर 20-25 लाइफ सेव किए। ओ माई गॉड, वाओ। और यहाँ पे मतलब एग्जैक्टली क्या हुआ था? नए थे, कुछ पता नहीं था बीच के बारे में। हाँ, के बारे में कुछ पता नहीं, वो लोग आए, जस्ट पानी देखा तो वो लोग एक्साइटेड हो गए और पानी में चले गए। और उनको पानी का कुछ पता आइडिया नहीं था, हाँ। आइडिया नहीं था, तो वो लोग सडनली डूबने लगे, हम लोग जेटस्की से आए और उसको बचाया। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आप ऐसे काम करती रहिए, थैंक यू। सो वी जस्ट लाइक चेंज्ड आवर कॉटेज बिकॉज अपेरेंटली वी फाउंड दिस बेटर। दिस इज आवर कॉटेज।
Look at how beautiful this is. I'm so happy. Okay, I'm just gonna show you around the room. The cottages are like not like very big, but acche hai. Check out my sister Apurva Balewa's channel to see what I ate in Goa. Hey guys, so I just woke up. वापस हम सो गए थे दोपहर को बिकॉज लाइक ऑब्वियसली बीच पे जब जाते हैं तो बहुत थोड़ा टायरिंग हो जाता है एंड उसके ऊपर से लंच भी वी हैड लाइक रियली रियली टेस्टी लंच. मतलब हम जहाँ पे रुके हैं उसका लाइक रिजॉर्ट का नाम है राउंड क्यूब बीच बंगलोस. सो ये प्रॉपर्टी जो है वो एकदम बीच पे है लाइक मैंने आपको बताया था. तो जैसे ही हम लोग रूम से बाहर निकलते हैं तो वी डायरेक्टली लाइक लैंड ऑन सैंड एंड तो मॉर्निंग में मैं पापा मम्मी हम लोग पूरे टाइम पानी में थे. उसके बाद हम वापस आए देन हमने थोड़ा लाइक नहाना वहाना सब किया एंड देन वी हैड आर लंच एंड लंच के बाद वापस से वी लाइक डोज्ड ऑफ. लाइक मैं सो गई, पापा मम्मी इससे पहले भी थोड़ा आराम करके थे बट मैं सो गई एंड आई थिंक मैं एक घंटा सोई बट फाइनली आई एम अप. इट्स लाइक 6:30 अभी. सो आई एम स्टिल वेयरिंग द सेम ड्रेस. आई एक्चुअली गॉट इट फ्रॉम द स्ट्रीट ओनली स्ट्रीट शॉप. मतलब कल हम रात के 11:30 को गए एंड ऑलमोस्ट सारी शॉप्स बंद हो गई थी अपेरेंटली और सिर्फ एक ही शॉप खुली थी लकीली और उसमें मुझे ये ड्रेस दिखा एंड मुझे बहुत ही पसंद आ गया तो मैंने वो खरीद लिया. आई विल बी कवरिंग द स्ट्रीट टुडे. सो अपेरेंटली मैं रेस्टोरेंट की तरफ चली गई थी और पापा मम्मी एग्जिट की तरफ लाइक बाहर. सो आई एम गोइंग टुवर्ड्स द एग्जिट एज वेल. अभी नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द स्ट्रीट. थोड़ा सा बस वॉक है एंड सामने वी हैव लाइक द स्ट्रीट एंड देन वी डू हैव लाइक अदर होटल्स एंड कैफेज ओवर हियर. आगे चलते हैं एंड आई विल शो यू द स्ट्रीट्स. आप कौन सा भी साइड डालकर जेंट्स का भी है दिखा दोगे? नहीं, जेंट्स का अलग अलग मॉडल है. नाउ हमने थोड़ा स्ट्रीट शॉपिंग किया, कपड़े वगैरह खरीदे और वी आर हेडिंग बैक टू आर रिजॉर्ट. वहीं पे हम बीच के पास बैठ के डिनर करेंगे एंड अगेन
वी आर इन द सेक्लूडेड डार्क प्लेस विच इज़ वेरी सेफ एक्चुअली बिकॉज दिस इज़ द ओनली वे टुवर्ड्स द रिजॉर्ट एंड हम एक्चुअली इस बार अपने रिजॉर्ट की तरफ से अंदर नहीं जा रहे लाइक मैंने आपको बताया था कि पूरे बीच पे थ्रू आउट द लाइक नेकलेस बनी रिजॉर्ट की तो हम लोगों ने स्ट्रीट शॉपिंग की और आगे आगे जाते से ही हमने बीच से एक अंदर हमको एक वापस ओपनिंग दिखी तो हम वहाँ से अंदर जा रहे हैं अभी बिकॉज अल्टीमेटली इट्स गोइंग टू ओपन अप एट द बीच ओनली सो यस इकडे करायचं तुला आहे रिजॉर्ट का एंड उन्होंने अच्छे गाने लगा के रखे हैं एंड ऑल द शेफ्स वर लाइक डांसिंग एंड कटिंग वेजिटेबल्स एंड प्रिपेयरिंग द मील्स दैट वाज सो ऑसम आई थिंक एवरीवन हैज द इफेक्ट ऑफ गोवा इन देयर हार्ट वंस दे कम हियर Episode 3 is coming soon, so make sure you subscribe to my channel. Click on the bell icon so that you get notified when the video comes out. Till then, enjoy. Bye-bye.